से अभी सारे आउटफिट्स ना जो हमने पहन लिए हैं कुछ ऐसे हैवी हैं, फिर दोबारा यूज़ नहीं इतने आएंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे। तो ये अच्छे आउटफिट्स हैं, तो ये सब हम जाके दे देंगे नीचे अम्मा को, वो दे देंगे किसी को। फाइनली आधे घंटे के वेट के बाद लाइट आई है, परेशान कर दिया लाइट। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जान में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया, आज है 13 जनवरी और हम आज ये पहन रहे हैं सूट जो कि आया हमें AK बाटिक की तरफ से, लेकिन हमें इसे पहले टांग के कहीं दिखाना है। यहाँ पे स्टैंड तो है नहीं है, तो सनी ने कहा कि दरवाजे के पीछे टांग के दिखा दो, लेकिन हैंगर भी होना चाहिए, फोटो भी क्लिक करनी पड़ेगी आपको। हेलो, पहुँच गए? हाँ पहुँच गए, एयरपोर्ट के अंदर हो गए? माशाल्लाह माशाल्लाह, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आप सबको। एक सूट केस जो खाली किया था ना अपन ने, उसमें हैंगर डाल के रख दिए थे। है चलो ठीक है, स्टोरी जो है फ्रेंड्स वो हो चुकी है, अभी चलते हैं इसे पहन के आते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है, ऐसा लग रहा है कि अब ठंड जो है वो जाने लगी, तो हम चल सकते हैं अजमेर शरीफ दिल्ली। टिकट करा लीजिए आज टिकट करवा रहा हूँ ना मैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और अब करते हैं लंच। और यहाँ पे देखिए इतनी वॉल जो है वो बन चुकी है, अब हो गया खाने का टाइम। हम खालू चले गए तो खाले से बात कर रहे थे कि कैसा लग रहा है, कभी बुरा तो लग रहा है। हल्का चिकन खा रहे हैं और सब्जी भी अभी आ रही है और ये अम्मा ने बनाई थी घी, चलिए खाते हैं। थैंक यू सो मच। हाय कर लो, ओले सॉन्ग सुनाओ फिर जल्दी से। चलो, जब मैं बादल बन जाऊं तब तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसे वो तुम मेरा दिल बन जाना, रिमझिम सावन बूंदे तुम्हारे मौसम बरसाना, जो कम पड़ जाए सांसे वो तुम मेरा दिल बन जाना। शाबाश, वेरी गुड, शर्माया भी नहीं, बहुत अच्छा गाया। नेक्स्ट टाइम आना तो और बड़ा गाना याद करके आओगे, ठीक है? लेकिन पढ़ाई भी करना। करता हूँ। करते हैं, ये हुई ना बात। आप भी सुनाओ भी कुछ। फ्रेंड्स, फूफी की बेटी आरजा मिलने आई थी तो बस अभी हम उसे छोड़ने लगे हैं। कहाँ खींचेंगे? ठीक है भैया, शादी के दिन कोई लहंगा अपने हाथ से अंदर कर रहा था, अकेला दुपट्टा ऊपर करो खुद से। चल भाई, उस दिन 10 किलो का लहंगा तो अंदर अपने हाथ से कर रहे थे, वो भी तीन तीन बार, तो क्या तुम्हारे प्यार के लिए रोना पड़ेगा मुझे? देखा फ्रेंड्स, ये होती है शादी की सच्चाई, वो भी 2 महीने बाद। लोकेशन ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सोच रहे हैं क्लिक कर ले। कैमरा बंद था और आधा शूट कर दिया था। कोई बात नहीं, दोबारा फिर से कर दे रीटेक। फिर बोलते हो कि परेशान करती है। रीटेक। अरे बिस्किट नहीं है, फिर कभी आएंगे तो कल आएंगे, ठीक है बेटा, बाय। चलो शुक्र है आपका, आपने खोला दरवाजा दादा, आपने हम दोनों की बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर दी है, थैंक यू। टिकट हो गए दिल्ली से अजमेर के हो गए हैं, 5 टिकट। दोस्तों में खाने गए थे तो मेरे लिए भी भिजवाया था, थैंक यू। ये क्या है? ये चिकन मुगलाई पराठा है, तो पिज्जा जैसा लग रहा है। सुनो, आपको आज गाना सुनाना था, ये वाला अब याद कर लो फ्रेंड्स, पिछले आधे घंटे से याद कर रहा है, लिरिक्स नहीं याद हो रहा है ना। है तमन्ना तुम्हें हम दुल्हन बनाए, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, है तमन्ना तुम्हें, है तमन्ना हमें, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने हाथ पे लगाए, तेरे हाथों की मेहंदी तेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे सजाए, नहीं वो सजाएंगे तो हम सजाएंगे कि वो सजाएगी, अरे मतलब हम ही सजाएंगे, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे तमन्ना। इस गाने के जो फैन होंगे ना वो तुम्हें इतना सुनाने वाले हैं फ्रेंड्स, सॉरी इसको लिरिक्स कभी नहीं याद होते तो भी, लेकिन ये याद करके प्रॉपर तरीके से सुनाएगा इतने अच्छे गाने के लिए, ऐसी तैसी मत करो। मैं गिटार बजाऊंगा। मैंने बाहर से कुछ खा लिया है तो घर में बनी थी दाल, तुम देखो मेरे कितना अत्याचार हो रहा है, मुझे दाल पिलाने लेके आई नीचे की, तुम्हें करोड़ी दाल पियो। सजा मिलेगी तभी इंसान सुधरता है ना, मैंने से मुझे क्या खाओगे कि मूंग की दाल बनवा रहे, जब मूंग की दाल बनी थी तो तुम बाहर से क्यों खा के आए? अब दोस्तों ने कह दिया तो मैंने खा लिया। हम कह रहे थे पी लो। गुड बॉय, कैसी लग रही है? सही, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो चुका है, 14 जनवरी हो चुका है, इस वक्त खांसी आ रही थी और आप सबको पता है कि हम लोग जा रहे हैं कल इंशाल्लाह अजमेर शरीफ के लिए, अच्छे से पहुंच जाए आप सबकी दुआओं से, और दिल्ली भी जाएंगे क्योंकि वहां वाले मजार भी जाना है, हजरत निजामुद्दीन।
और शॉर्ट सा ट्रिप है, छोटी मोटी पैकिंग करेंगे, सोच रहे पार्लर भी चले जाए और मेहंदी भी लगवा ले। अम्मा कह रही थी तुमने कब से मेहंदी नहीं लगवाई है, फिर आगे मुंबई भी जाना है तो मेहंदी अभी लगवा लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स पार्लर तो जाऊंगी सिर्फ क्लीनअप के लिए, वैक्सिंग नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी मुझसे पेन जो है वो नहीं बर्दाश्त होता और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। और अब मेरी आदत भी खत्म हो चुकी है क्योंकि आपको पता है हेयर रिमूवल के लिए मैं करा रही हूँ लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स जो हेयर की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है लेकिन एकदम नहीं जाती। और जब मैं जल्दी में होती हूँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्रीम यूज करो, दो मिनट के अंदर हेयर हट जाते हैं और आप अपना काम कर लो। तो मैं यूज कर रही हूँ नम्या हेयर रिमूवल क्रीम। ये हेयर रिमूविंग क्रीम से स्किन डार्क नहीं होती है, ये सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। मैं इसे यूज करती हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। 2 मिनट हो जाने के बाद फ्रेंड्स हम वो क्रीम को निकाल देंगे और हेयर जो है वो अच्छे से निकल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ में फ्री आता है विटामिन सी वैक्सिंग सीरम, जो हेयर निकालने के बाद आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को हील करेगा, स्मूथ बनाएगा। नम्या के 2 मिनट हेयर रिमूविंग चैलेंज में आपको घर बैठे मिलेगा एकदम सैलून जैसा स्मूथ स्किन। और अगर आपको 2 मिनट में रिजल्ट ना मिले तो बिना सवाल पूछे आपके पैसे वापस। तो आज ही ऑर्डर करें इनकी वेबसाइट पे जाके जो कि है namya.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जा रहे आज ही इंडिया के खेलने, मतलब कभी तो यार क्रिकेट खेलने जा रहे बड़े शौक से। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मैं बोलती हूँ आपको। क्रिकेट खेलने की कितनी एक्साइटमेंट, जब से मेरी शादी हुई मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, उससे पहले मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। मैंने आपको मना किया है? नहीं मना नहीं किया, लेकिन बहुत काम रहता है ना शादी के बाद। मैं बेटी घर को फोन करके पूछ लेती हूँ, वो मुझे ले जाएगी क्या पार्लर? मैंने अम्मा से बोल दिया, वो लोग भिजवा देगी तुम्हारे साथ बेटी घर के यहाँ पे। फिर वहाँ ऑरेंज दे, आप भी खा लो। नहीं, हमें सर्दी हो जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा ये बताओ। लेकिन ये ताकत भी देगा, ताकत तो देगा तो सर्दी हो जाएगी तो फिर आएंगे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगता। आज क्या बन रहा है खाने में? खाने में बना रही हूँ गाजर, मटर, गोभी, आलू मिक्स सब्जी बना रही हूँ। ये गाजर की बनाएंगे सब्जी, ठीक है? बनाएंगे फिर अच्छी लगेगी, फिर सूखी सूखी बनाएंगे बिल्कुल भुंजी भुंजी। ठीक, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट बचा तो फ्रेंड्स हम हो गए रेडी। और देखो मैंने कितना अच्छा चूड़ी का सारा सेट मिला के पहना है, अच्छा लग रहा है ना। अभी चलते बेटी खा लेगा, लेकिन पहले लंच करेंगे उसके बाद निकलेंगे। ये वाला वॉलेट ले लेंगे, ये वाली शॉल ले लेंगे और चलते। देखने में और खुशबू तो बहुत अच्छी है, अभी खा के बताते हैं। सब्जी सेट में बहुत ज्यादा अच्छी बनी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो तारीफ तो हो गई कुछ। बाय बाय। सलाम, तुम भी यही हो? क्या कर रही थी? लेट हो गए हम, खाना खाने लगे थे। खा लेते, अरे बना ही था तो हमने कहा खा लेते हैं। सूट अच्छा लग रहा है, ये बच्चा मामू वाला है। कभी कभी लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं। सबको सलाम कर लो। सबको अस्सलाम वालेकुम। सही हो? हाँ ठीक है। कल ज्यादा बुरा लग रहा है, आज थोड़ा सही है, फोन आ गया। हमसे भी बात हो गई थी। अभी जा रहे हैं अम्मा के पास, अम्मा से मिलेंगे 10-15 मिनट। बेटी वाले को लड्डू भी देना है, उनको लड्डू ही लड्डू चल रहे हैं। और मैं खा रही हूँ भी गुड़ की रेवड़ी। और इसके बाद हम जाएंगे पार्लर, वहाँ पे कराएंगे क्लीनअप। लोग देख रहे हैं रिक्शा, हम पहुँच गए मामू के घर। यहाँ पे अम्मा ठहरी हुई है, यहाँ पे चाय पिया और नाश्ता किया यमी सा, और इनकी प्यारी सी कैटू भी है। प्यारी देख आके बेटू चलो चलो अम्मा जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, उठ गया आ जा, अल्लाह पाक। अभी तो मिलेंगे आपसे कल। हाँ, अभी तो पार्लर जा रहे हैं, बीच के चली जाइए। हाँ अभी तो कल जा रहे हैं अजमेर शरीफ, बेटी भी जाइए। बंदर हमारे घर से देखा, डर लगता है? नहीं नहीं लगता है डर, डर तो बिल्कुल ऊपर है, भगाओ ने क्या है मजा शरीफ मटा। ठीक है, चलो मानी अल्लाह हाफिज। चलो मानी का पैर ठीक हो गया, प्लास्टर खुल गया है, अब सही है। अब कब आएगी? कल आऊंगी। आप लोग भी बस जल्दी तैयारी कर लीजिए। अरे टोपो लगाए, फोटो ना खींचे। मिट्टू अपना ताप रहा है, सब ताप रहा है, सारे जानवर कुत्ता ताप रहा है, बिल्ली ताप रही है, वो घुसा बैठा है, क्या करे ठंडी में मर रहा है। सही बात है, बहुत सब आपका काम है, जानवरों को भी आराम दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे मिल लिया, अभी चलते हैं पार्लर, बहुत शाम हो गई है। हाँ मैं दिख रही हूँ? हाँ दिख रही हूँ। तो अम्मा के पैसे भी मैं संभाल के रखूंगी, अम्मा ने कहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में डाल देना। और अभी हम आ गए, यहाँ पे क्लीन अप कराएंगे। सही से शूट किया है बेटी का ना? थोड़ी बहुत तो गलती फिर सनी से भी हो जाती है, रिजा से भी हो जाती है। चलो भैया सही किया है, गुड ठीक है।
एंट्रेंस क्लीन अप करा लिया है और अब जा रहे हैं बेटी खाले के घर, क्योंकि मेहंदी वाली वहीं पे ही आ रही है, बस मेहंदी लगा के फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली काजल आ ही गई, हम इसको इतने दिनों से बोल रहे हैं कल आना, आज हम लगवा ही लेते हैं मेहंदी। हाय कर लो काजल। हम लोग सबसे पहले डिजाइन चूज करेंगे, मुझे एकदम भरी वाली नहीं लगानी है, थोड़ी हाथ मतलब खाली खाली देखे वैसा कुछ लगवाना है। कपड़ा कैची देखिए दीदी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है ना। हाँ अच्छी तो लग रही है। फ्रेंड्स अभी मेहंदी लगना जो है वो स्टार्ट हो गई है, साथ में चाय भी बना दी है बेटी खाला ने। फ्रेंड्स हैंड्स में ऊपर लग गई है और अब लगा रहे हैं पैरों पे। सब लोग खाओ, काजल तुम भी लो। दीदी आप खाइए। महर लो आओ, क्या कर रही हो, रो रही हो क्या? नहीं, इसकी हरकत रिजा की तरह है ना, उसके भी आँख में रोज कुछ न कुछ जाता है। खानदानी असर है। मेहंदी जो है वो पूरी लग चुकी है और बहुत अच्छी लगाई है काजल ने। काजल मौदार की सबसे फेमस मेहंदी आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और उतनी अच्छी आपको मतलब एंटरटेनमेंट भी करती है। टाइम ऐसा निकल जाता है काजल के साथ, कैसा लगता है कि मेहंदी लगती रहे, बातें ही करते रहो। काजल जा रही है और मेहंदी सुखाने के लिए यहाँ पे बैठे है इस ब्लोअर के सामने, क्योंकि जाना भी है घर और ये सूखी नहीं रही है। सब जाने लगे, बिना चप्पल पहन के जा रही हूँ क्योंकि मेहंदी जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रही है। बेटी वाला खोल दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम लोग सुबह के बाद अब मिले हैं फ्रेंड्स और मैं मेहंदी लगवा के यहाँ पे आई हूँ। पूरे घर पे गंदा हो गया और अब मैंने सोच लिया कि मैं ठंड के मौसम में कभी मेहंदी नहीं लगाऊंगी, सूखती ही नहीं है। मेरा पूरा नया सूट मामू ने मुझे शादी में दिया था। कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, मेहंदी लगवाओ। अभी खाना भी नहीं खाया, तुमने खाया? जी बेचारा चुप चुप है फ्रेंड्स, इसके पास ना कैश था थोड़ा सा और वो इसको मिल नहीं रहा था एक घंटे तक। गाड़ी पे था मैं, हाँ। आ गया पूरा, पता नहीं मेरा कहाँ चला गया, मैं ढूंढ, अल्लाह पाक मेरा पैसा मिल गया, 30,000 रुपए लिए था मैं। हाँ तो लेकिन ऐसे नहीं टेंशन लेते, पता जिंदगी में कभी कभी इतने लॉस हो जाते हैं। नहीं, हो जाते हैं लेकिन अब शाम से फ्रेंड्स इसका मन ना ऐसा उदास सा है, बहुत खोया खोया सा, घबराया सा, ऐसे मत करो। फिर मिल गया ना वो। तो फ्रेंड्स बस इतना कहेंगे कि आप सबके साथ भी कभी ऐसा हुआ लाइफ में, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि आपसे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो अपनों से शेयर कर लेना चाहिए। ये बोल रहा है मैं एक घंटा ढूंढता रहा और ना इसने अम्मा को बताया ना हमें बताया, अब इसने शेयर किया तो अम्मा भी इसको नीचे समझाती रही और मैं भी समझा रही हूँ कि लाइफ में कभी कभी चीजें हो जाती, हो सकता है कि वो पैसे ना मिलते तो तुम तो सोच सोच के तो तुम तो फिर सोचते ही रहते। फ्रेंड्स आपसे भी अगर कभी जिंदगी में कुछ गलतियां हो जाए तो क्या होता है, अपने घर वालों से बता देना चाहिए, ऐसे नहीं टेंशन लेना चाहिए। अपनी तबीयत खराब करके वो पैसे क्या मायने रखते, तबीयत से बढ़ के थोड़ी ना है। बिल्कुल, अब आइंदा से इंशाल्लाह नहीं, अब लोगों का धुआं देना है। वो काजल ने कहा है कि दीदी काजल पता है सबको पता है कि हम लोग रात में किचन में जाते ही जाते हैं, तो बोलती दीदी मुझे पता है आप किचन में जाओगी तो आप लोगों का धुआं जरूर दे देना, लेकिन कैसे देते हैं मुझे नहीं पता। सबसे बढ़िया होता है मिर्च का धुआं ले लो तुम। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, ले लूं बलाए आगे हम नहीं गाए क्योंकि गाना भूल गए। आप सबको पता है फ्रेंड्स मेहंदी नहीं निकालूंगी तो सनी बिस्तर में ऊपर चढ़ने नहीं देगा, इसलिए मैं पूरी मेहंदी क्लीन कर रही हूँ सोने से पहले। नेक्स्ट डे हो चुका है फ्रेंड्स और आज मैंने सनी के लिए और पापा के लिए बनाया है ब्रेकफास्ट के लिए हलवा और यहाँ बन रही है मेरी चाय और मेरा रोज का सेम ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा ये आपके लिए आया है, हैंडमेड गिफ्ट इन्हें भेजा है। लाइट नहीं जलती? जलती है फ्रेंड्स, आज हमने हलवा बनाया था लेकिन पहली बार में थोड़ा सही नहीं बना। नहीं सही बना है, बस तुम हम मीठा ज्यादा खाते हैं ना तो मैं शक्कर थोड़ी कम डाल ली है। अम्मा से डलवाई है शुक्र है। बाकी सब सही है। शक्कर के टाइम अम्मा आ गई थी, दो लोग बनाते ना तो अंदाजा नहीं मिलता है। क्या बना रही? सब्जी जो जो दिख रहा है, आलू मिर्च सेम मटर और मेथी और प्याज। और क्या बना रही? पूरी बना ले, आंसू बना ले, खाली प्याज से सब्जी तुम्हारी महक रही है। प्याज की सब्जी खा लो। ये डब्बे मंगाए हैं ट्रेन में खाना पैक करके ले जाने के लिए। मैं
हमारे घर पे पुआ बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन रुखसाना बाजी ने अपने घर पे अपने घर से बना के ले आई हूं। तुम लेके मैंने को भाभी के लिए खाने के लिए तो पुआ तो हो जाएंगे। थैंक यू, चलो मैं टेस्ट करती हूं। खा के देखो ना, बाजरे का आटा का है, बाजरे का आटा का है, उसमें गुड़ पड़ा है, उसमें तिल भी पड़ी है, बहुत अच्छा है। थैंक यू, बाय। अभी 3:30 बज गया है, 5:30 पे निकलना, अभी पैकिंग भी नहीं की है, सब्जी बनाई है, मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं बनी है क्योंकि अदरक लहसुन का यहाँ पे पेस्ट नहीं था, और हमें वहाँ पे मुंबई में ना पेस्ट की आदत है, बना बनाया होता है, उसे डाल दो, थोड़ा सा कैसे पीसे, काय में पीसे, समझ में नहीं आया। उस दिन मिक्सी भी खराब हो गई थी, कूट के दे दिया, अब वो डाल दिया तो वो अदरक का टेस्ट आ रहा है पूरी सब्जी में। सही वाला बताना, देखो सही बताऊंगा, डरते थोड़ा मिक्स किया है। नहीं, अब आप ऐसे ही बोल रहे हो। फिर सनी ने, अम्मा ने और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया, और शुक्र है कि सब्जी अच्छी थी। सबसे पहले मैं आपके रख दूं, और जितनी सूटकेस में जगह रहेगी उतने मैं अपने रख लूं। ये सनी की स्वेट शर्ट, मेरी स्वेट शर्ट, साथ में देखा होगा मुंबई से हमने जारा से एकदम सेम लिए थे दोनों के लिए, तो आज हम वो पहन लेते। मैंने को पेट दिख रहा है तो पिचका लिया जल्दी मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हमारा पूरा जर्नी हम दिखाएंगे अजमेर शरीफ का। अभी हम चलते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी बस चलो अभियान, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन भी और हमको टाइम भी लगेगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और थैंक यू सो मच, आप इतना और आप हमारे लिए दुआ करिए, इंशाल्लाह हम सब आपके लिए अजमेर शरीफ में और दिल्ली में दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, लव यू।